अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी इसके अंदर आईपी, अगर आपका इनिशियली कोई आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो ना बिल्कुल इनिशियली, तो सबसे पहले से डिफ़ॉल्ट आईपी जो इसका आएगा वो आएगा 192.168.1.254, ये सिस्टम का आईपी होगा। तो हमको 1.254 के पूल में ही कोई दूसरा आईपी देना पड़ेगा अपने लैपटॉप को, तभी डिटेक्ट होगा, गेटवे में आ जाएगा। हाँ, तो मैं भी संभाल के लो मुझे देना है, तो मैं 200 ले लो। हाँ, तो मैं 200 कोई भी एक रैंडमली 50-200 कोई भी एक आईपी में सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे, मैं पहली बार एक्सेस कर रहा हूँ सिस्टम को, तो 192.168.1.200 मैंने दिया सब कुछ, है ना, 2582। अब 1.254 ये मैंने डिफाइन किया अभी, है ना सचिन, आ जोई ले आपणे करवानो छे पछी सिस्टमो। अब ओपन करने के लिए 192.168.1.254, अगर आप सिस्टम को लोकली ओपन कर रहे हो तो ये लोकल आईपी हो गया। इसके एक दूसरा इसका राउटर आईडी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, कॉलन 20080, एंटर मारा, पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा, तो यूजर है तेजस, पासवर्ड J72E#05T, लॉगिन किया। अब ये आपकी पहली स्क्रीन, जो इनिशियल सिस्टम बिल्कुल इनिशियल आएगी ना उसकी पहली स्क्रीन है, तो आपको सिस्टम को पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या करूँगा मैं, या तो मेरे पास कोई बैकअप है किसी सिस्टम का तो वो मैं इसमें डाल सकता हूँ एज इट इज़, उस फॉर्म में सिस्टम री इनिशियलाइज़ जाएगी, या मुझे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ करनी है तो इनिशियलाइज़ में आ जाएगा वो। हाँ, इनिशियलाइज़ नोड पैरामीटर्स, तो मैंने नोड पैरामीटर्स दिए डिफ़ॉल्ट। अब सपोज़ मैं इसको चाहूँ तो यहाँ बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो 1.254, एक राउटर आईडी क्या है इसका, राउटर आईडी 1.254 है, इथरनेट इसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस है 254.1 रखते हैं, ठीक है, और इथरनेट आईडी 1.254 रखते हैं। आपको अगर रिमोटली, देखो राउटर आईडी है जिसमें रिमोटली आपको सिस्टम ओपन करनी है तो इससे ओपन होगी, और आपको अपने पेरेंट में यानी कि अपनी नियर बाई सिस्टम जो शो करेगा सिस्टम में, तो वो ये वाला आईपी शो करेगा, 1.254 शो नहीं करेगा, वो लोकल है इसलिए। लेकिन और नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग जो फार एंड होता है यानी BTS एंड होता है या कस्टमर प्रोमाइज होता है, वहाँ पे हम लोग रखते हैं 254.12, और जो BTS है मतलब अपना एक्सचेंज एंड होता है वहाँ पे 254.1 रखते हैं नॉर्मली, ये अपनी प्रैक्टिस है। हाँ, राउटर आईडी, राउटर और इथरनेट दोनों का ऐसा ही है, 254.1 अपने राउटर और 254.2 सामने वाली का, तो 1 और 2 ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक CPE के साथ में 2 CPE कनेक्ट किए हैं तो हम लोग एक को 1 रखते हैं मेन एक्शन वाली को, दूसरी को 2 और तीसरी को 3 कर देते हैं इस तरह से, तो आप तीनों को अलग अलग एक्सेस कर पाओ। सबमिट करूँगा, ये एक बार पूरा रिबूट लेगा, एक कंप्लीट एक बार रिबूट होगा, चलो देखो अरे 15 मिनट जब बूट होगा ना 15 मिनट बाद तो आपकी ये सिचुएशन होगी, ठीक है, J72E#05T, ठीक है, ऐसे रहो, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको क्या रखना है, नेम क्या है इसका, मुरलीधर है ना, नाम कैपिटल में लिखो ना पूरा, मुरलीधर से कहाँ चलने वाला है ये, मुरलीधर वस्त्रापुर, ठीक है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मुरलीधर साइड, मुरलीधर साइड, मुरलीधर BTS साइड, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन को छोड़ो अभी की जरूरत नहीं है इसकी, मैंने सबमिट किया, अब ये फटाफट होगा, कोई इशू नहीं। अब सबसे पहले देखो मुझे STM पोर्ट इनेबल करने पड़ेंगे, इस पर नोट्स और में गया मैं, सबसे पहले ये पावर कार्ड है, इसको कभी कुछ जरूरत नहीं है छेड़ी, ये इथरनेट कार्ड है और ये मक्सिंग कार्ड है, आप मक्सिंग कार्ड पे जाओ, क्योंकि E1 और STM पोर्ट मक्सिंग कार्ड पे होंगे और इथरनेट पोर्ट इथरनेट कार्ड में होंगे, okay। मैं अब इसके पोर्ट्स देखो क्या क्या है, ये मक्स कार्ड है ना, हाँ, 2 STM पोर्ट हैं बाकी E1 है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले E1 फर्स्ट को अप कर लेता हूँ, अप करने के साथ में इसको नेमिंग भी दूंगा, मुरलीधर BTS, इसका वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
पर हमने इसलिए मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको कि एसटीएम 16 वगैरह आपको करना है तो हमेशा एसटीएम पोर्ट पे आप नेमिंग करो। सही बात है। कभी कभी क्या होता है कि डिफॉल्ट तो चेंज हो जाता है पर इससे अपने को पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी साइट टर्मिनेटेड है। खाली यही अप किया ना आपने पोर्ट एसटीएम 151 अप किया ना? हाँ अश्विन भाई, ठीक है चलो फिर आपका काम हो गया, कल मैं आपकी फाइल भिजवा देता हूँ ना। हाँ अभी तो मैं नहीं, मैं कर दूंगा अभी, मैं क्या फील्ड में हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस, तो मैं करवा कर लूँगा है ना। ठीक है ठीक है, चलो दोनों पोर्ट एक साथ अपनी हो सकते हैं ना? नहीं नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं, आप चाहो तो उसको भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे अपने को एक ही पोर्ट की जरूरत है। नहीं, पोर्ट दोनों आप करके रखो ना, कभी इधर उधर वो एसएफपी खराब हुआ या वो हुआ जो भी हुआ चेंज करना हुआ तो, और दोनों के बीच क्रॉस कनेक्शन बना के रखने का। नहीं प्रोटेक्शन दूंगा ना, प्रोटेक्शन। हाँ वही, ये मैंने पोर्ट अप कर लिया ना, अब मैं पहले ईवन के क्रॉस कनेक्शन बनाता हूँ सबसे पहले, फिर मैं इथरनेट के बनाऊंगा और फिर डीसी बनाऊंगा, फिर क्लॉक दूंगा, तीनों चीज। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं क्रॉस कनेक्शन इवन की। देखो क्रॉस कनेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस कनेक्ट, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, ऐड क्रॉस कनेक्ट। सबसे पहले इस पे आ जाओ पेपर पे, क्रॉस कनेक्ट क्या है? क्रॉस कनेक्ट मैंने बताया था ना आपको, ये जो मैंने बताया था इन पोर्ट्स के बीच में आपस में कोई भी कम्युनिकेशन कराना है तब वो क्रॉस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, एसटीएम पोर्ट से इवन ड्रॉप करना है तो भी, एसटीएम पोर्ट से ईथरनेट ये इलेक्ट्रिकल ड्रॉप करना है तो भी, VCG पे ड्रॉप करना है तो भी, जो भी आपको करना है, या एक STM पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भी इवन ड्रॉप करना है तो भी, एक STM से दूसरे STM पे, जैसे सपोज आपने यहाँ से आपने 63 इवन लिए, आपको 2500 ड्रॉप करना है किसी एक जगह पे, है ना, और फिर, और बाकी के आगे लेके जाने तो कैसे लेके जाओगे, तो शुरू के 25 को तो आप ड्रॉपिंग कर दोगे और बाकी के 25 का क्रॉस कनेक्शन कैसे बनाओगे? एक तरफ एसटीएम पोर्ट 1 होगा, दूसरे एसटीएम पोर्ट 2 होगा, डेस्टिनेशन 2, तो इसका इवन जो ड्रॉप हो गया बाकी का बाईपास होकर दूसरे पोर्ट से बाहर निकल जाएगा और फिर सामने वाला उसी इवन को सेलेक्ट करके अपने वहाँ पर ड्रॉप कर देगा। तो ऐसे आप मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हो। एक एसटीएम पोर्ट से मैंने 125 ले लिए, हाँ, और बाकी जो है वो दूसरे पोर्ट से मैं निकाल लूंगा, दूसरे पोर्ट पर डाइवर्ट कर दो ना उनको, उसमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो मैं वो क्रॉस कनेक्शन बना के बताऊंगा ना आपको भी, वो बना के बताऊंगा आपको भी। पहले मैं 8 इवन के क्रॉस कनेक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 8 क्रॉस कनेक्शन लिया। आप देखो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन VC3 जो होता है ना वो STM का क्रॉस कनेक्शन होता है, कंप्लीट STM। ओके, अगर मुझे पोर्ट 1 का पूरा STM पोर्ट 2 पे निकालना है तो सीधा VC3 ले लो, तो VC3 लेने का, और देखो सोर्स और डेस्टिनेशन में KLM नहीं देगा आपको ये। ओके, ये सीधा आपको STM के ही सिलेक्शन देगा, इसमें इवन सिलेक्शन देगा ही नहीं आपको ये, देखो दिया ही नहीं। जब आप इसको VC12 करोगे तो अलग, तो ये पूरा आपको KLM देगा फिर। तो VC12 क्या है? ये इवन बेस, इवन, हाँ इवन, और VC3 ऑप्टिकल, ये वर्चुअल कंटेनर समथिंग इसका फुल फॉर्म होता है, 12 मतलब ये पूरा इवन को लिए हम VC12 यूज करते हैं, समझ लो मुझे देता है ना, हाँ। मुझे ज्यादा पता नहीं, और VC3 में सीधा STM पोर्ट निकलता है, STM देता है 11 BF है ना, 3 में STM पोर्ट और 12 में इवन निकलता है। अब जैसे मैंने 8 कनेक्शन मुझे बनाने, तो आप इसमें अगर आपके बीच में ब्रेक नहीं है ना, सिक्वेंशियल कनेक्शन है, तो आप नंबर ऑफ कनेक्शन एक साथ भी दे सकते हैं, मुझे 8 बनाने हैं, तो मैं सोर्स क्या लूँगा, STM इवन पोर्ट 1 मैंने सोर्स में ले लिया। अच्छा ये इवन, यहाँ पे मैंने STM पोर्ट 1 ले लिया, KLM देखो 1 बनाया। अच्छा जो भी फ्री STM ये वाला इवन, ये वाला इवन इस STM पोर्ट से निकलेगा, सोर्स मेरा एक ये है, इन दोनों के बीच में लिंक बन गई। मतलब अब अगर मैं इवन में यहाँ डेटा भेजूंगा तो STM पोर्ट के फर्स्ट चैनल पे चला जाएगा, फर्स्ट चैनल पे कोई डेटा आएगा तो इवन के पहले चैनल पे मुझे मिल जाएगा, एक पाइप बन गई इंटरनल पाइप दोनों के बीच में। ओके बस, अगर मैं सोर्स में STM बंद हूँ उसमें इवन दूँ चलेगा यही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों में पाइप बनानी है, चाहे ऊपर और नीचे कोई भी डायरेक्शनल वाला नहीं करना है। हाँ डायरेक्शनल वाला नहीं करना है, तो सोर्स में हम STM ही लेवे ना, STM पोर्ट लेवे सोर्स में। नॉर्मली मेरा मतलब स्टैंडर्ड हमने जो यूज़ किया आज तक उसमें यहाँ पे हम लोग इवन लेते हैं, ये जस्ट एक नॉमिनल, तो अपने जैसे स्टैंड के भाई बड़ा है तो पहले सोर्स आता है बड़ा और फिर उसमें से पाइप निकलती है, दैट इज STM। उसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है, इसमें क्या होता है कि जब आप क्रॉस कनेक्शन बनाओगे तो VCG आपको इस एंड पे आता है, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब आप इसका क्रॉस कनेक्शन बनेगा ना तो भाई नया पेपर लो, बस बस ले लो साहब, दूसरा बना देंगे। जैसे मान के चलो आपको बनाना है,
तो जब इसके क्रॉस कनेक्शन बनते हैं ना तो ऐसे बनते हैं कि VCG यहाँ पे आता है नॉर्मली, जब VCG कनेक्शन बनाओ तो VCG बाय डिफॉल्ट यहीं देगा और यहाँ पे आपका STM का टाइम स्लॉट देगा। अब क्या होता है जो कभी रीड करता है ना वो इस टेबल को तो उसको दिक्कत नहीं आती, अगर मैं यहाँ पे E1 लेता हूँ ना तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट STM का वो आएगा, यहाँ पे मैं VCG लेता हूँ तो यहाँ पे STM का पोर्ट आएगा। अगर आपने यहाँ पे STM ले लिया तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे STM का चैनल आएगा, यहाँ पे E1 आएगा, तो यहाँ पे टाइम स्लॉट क्या आएगा 1 1 1 1 1 2 ऐसे करके। लेकिन जब आप VCG बनाओगे ना तो यहाँ पे VCG आएगा और यहाँ पे फिर 1 1 1 3 1 यहाँ से शुरू होगा, तो आपको टेबल पढ़ने में दिक्कत आएगी, कभी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कभी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे E1 रखा है ना तो ये पूरी टेबल आपको सिक्वेंस में मिल जाएगी एक डायरेक्शन में, ये इसका मतलब यहाँ पे E1 सोर्स में लेने का एक रीज़न ये अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, बाकी तो आप कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, प्रोटेक्शन को मैंने डिसेबल किया हुआ है, एक मिनट, ये E1 पोर्ट ले लिया, इसमें KLM नहीं दिखाएगा, नहीं इसमें नहीं दिखाएगा ना, 151 मतलब पहला STM पोर्ट, 151 बनाता हूँ मैं, बता देता हूँ आपको, इसमें जो टाइम स्लॉट है, इसमें जो स्लॉट बने हुए हैं, इसमें फिफ्थ नंबर का जो स्लॉट है इसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको मक्स कार्ड को फिफ्थ नंबर का स्लॉट काउंट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज 15 मतलब आपकी पहली चेस जिसका पाँचवें नंबर के कार्ड का पहला STM, दैट इज 151। अगर आप E1 की बात कर रहे हो, सामने E1 लिखा है, 151 मतलब पहली चेस जिसके पाँचवें कार्ड का पहला E1, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। जब आप STM 16 खोलोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर आपके सातवें नंबर पर स्लॉट पे अगर STM कार्ड लगा है तो उसके अंदर आपका 17 समथिंग होगा, कार्ड नंबर के रेफरेंस से चलता है। हाँ तो उसमें क्या है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी चेचेस की डिजाइन के हिसाब से इसको पांचवें नंबर का स्लॉट काउंट करता है, तो लॉजिकल नंबर है वो, तो स्लॉट गिना है। लेकिन STM में तो आप STM 16 में आपको दिखेगा बाकायदा पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किस पे लगा, उसी हिसाब से डिटेक्ट करेगा, 1 2 पावर है शायद ना STM थोड़ा थोड़ा, इसमें दिया सोर्स, अच्छा ये जो सोर्स है उसमें KLM क्यों नहीं आता, E1 का कोई KLM होगा नहीं ना, E1 में ना आप E1 चैनलाइज नहीं है ना आपकी, E1 में इंटरनल कोई टाइम स्लॉट है नहीं है ना, तो उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन STM में आपके और भी बाइफरकेशन है, इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट देगा, ठीक है, आपने मतलब ये मिनिमम आइडेंटिटी है, हाँ E1, हाँ इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए 12 किया है, इसलिए इसी 12 में जीवन आवे ना, VC3 માં તો સીધા પોર્ટ જ આવી જાય, પૂરા STM પોર્ટ લઈ જાય, નાખી પણ એના માટે તો મિનિમમ ક્વોન્ટિટી થયું ને, પેલામાં મિનિમમ ક્વોન્ટિટી STM માં, લેકિન જબ આપ VC3 કનેક્શન બનાવોગે STM 16 માં તો મિનિમમ વો 63 રહેંગે, નહીં 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 ઉસમેં કુછ ઓર હોગા, યહાં પે આપકો જબ STM કાઉન્ટ કી દિયા થા ના ઇસને તો ઉસમેં STM મે આપકો 16 કે કાઉન્ટ અલગ દેગા, 16 મે સે કૌન સા STM લેના વો ભી બતાયેગા, 16 तो STM1 में उसके अंदर 16 STM1 है ना, तो जब आप तो आपको ये हाँ तो ये भी तो चूज करने को देगा ना कि कौन सा STM लेना है, 1 2 16 सही है। अब इसमें दो प्रोटेक्शन है, सोर्स प्रोटेक्शन और STM प्रोटेक्शन। अगर आप सोर्स प्रोटेक्शन रखते हो तो मतलब कैसे रखोगे, देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कहीं पर ऐसा करना है कि आपको दो E1 कॉन्फिगर करने हैं एक ही BTS में, समझना बात को, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, वो कैसे, आप सोर्स में दो E1 दे दो, देखो मैं एक बार सोर्स प्रोटेक्शन इनेबल करता हूँ, इसमें से शायद दिया नहीं है, सोर्स प्रोटेक्शन से दिया ही नहीं है, इसमें नहीं दिया, मतलब इसमें शायद ये फैसिलिटी नहीं दी है इसमें, वरना आप कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे जो दो E1 ड्रॉप होते हैं ना, कोई भी दो E1 वो बैकएंड में आपको किसी एक पाथ से चले जाए, मतलब अगर ये वाला E1 ड्रॉप होता है तो भी, मतलब यहाँ फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने दो की हुई है, अगर इसकी वायरिंग कट भी गई तो इस वाले से ट्रैफिक चला जाएगा। लेकिन CP में तुम इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करो, कि CP में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, आप सिर्फ डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। अब डेस्टिनेशन में क्या है, आपका E1 यहाँ पे जो है आपका सिस्टम, यहाँ पे आप क्या क्या ड्रॉप कर रहे हो, VC ड्रॉप कर रहे हो और E1 ड्रॉप कर रहे हो, बाकी तो आपका जो भी जा रहा है STM के थ्रू फॉर एंड में जा रहा है, मतलब बाकी सारा डेस्टिनेशन है आपके इस जगह पर अगर आप बैठे हो तो। डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें STM पोर्ट 1 और 2 दो ही डेस्टिनेशन हो सकते हैं, या तो आप फॉर एंड को STM 1 से कनेक्ट करोगे या 2 से कनेक्ट करोगे, 1 पे तो आपने कनेक्शन बना लिया तो प्रोटेक्शन किस पे दोगे, 2 पे दोगे, 2 तो 2 पे आपने ले लिया, सपोज ये 2 ले लिया, 2 में आपने, अब देखो इसमें खास बात ये है, 1 पे तो प्रोटेक्शन इनेबल होना भी नहीं चाहिए, 1 है तो 1 पे होना भी नहीं चाहिए, नहीं वो तो 1 और 2 पे दोनों पे रख सकते हो ना, अगर आपने क्रॉस कनेक्शन यहाँ 1 की जगह 2 लिया होता तो प्रोटेक्शन 1 पे आता, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 ही मिलेगा, हाँ 1 पे तो हो ही नहीं सकता, 1 है तो 1 पे प्रोटेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एक बात तो प्रोटेक्शन लेवल,
अब आप ऐसा भी नहीं है, आप चाहो तो 111 का स्लॉट चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन सारी है, बट नॉर्मली हम क्यों नहीं करते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता लोगों में। मतलब क्या 111? अब आप अगर आप 111 का प्रोटेक्शन में 112 रखना चाहते हो तो रख सकते हो, यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि भाई इसका वो टाइम स्लॉट प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन में वो 2 नंबर के इवन पे चला जाएगा, प्रोटेक्शन चला जाएगा, तो 1 नंबर का इवन नहीं निकलेगा। नहीं, 1 नंबर का इवन निकलेगा, लेकिन अगर वो ब्रेक होगा ना तो उसके ब्रेक होने के केस में जो इवन थ्रू होगा वो पोर्ट 2 का 2 नंबर का पीसीएम थ्रू होगा, 1 नहीं होगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि सिस्टम ये ऑप्शन देती है, हर एक ऑप्शन अवेलेबल, बट कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे 111 पोर्ट खराब हो गया, हाँ, उस कंडीशन में उसको 112 पे ले सकते, हाँ वो कर सकते, खराब हो गया, इसीलिए तो इसमें यही तो बात है। अब मैंने सबमिट किया तो देखो एक बार वार्निंग देगा 8 कनेक्शन बनाने की, अब देखो आप वेट करोगे 8 कनेक्शन बना के देगा, पूरे इवन सिक्वेंशियली ले लेगा, 2 वे, हाँ 2 वे, आप इसको 1 वे कर दोगे ना तो ये 1 वे ही काम करेगा। हाँ, ये है ना, में था क्या? ये 2 वे को 1 वे कर सकते। अच्छा, ओके, हाँ, डायरेक्शन में ठीक है। देखो इसके बाद ही आपको बताएगा कितने कनेक्शन बने, कितने फेल हुए, वो बताता है। अगर आपका टाइम स्लॉट ऑलरेडी जो आपने दिया है वो कहीं ना कहीं यूज हो चुका होगा तो यहाँ पे फेल आएगा, ठीक है, ये आपके 8 इवन क्रिएट हो गए। अब देखो मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मैंने यहाँ इवन नहीं लिया होता ना, अभी जब बीसीजी कनेक्शन बनाऊंगा तब आप देखना, बीसीजी में बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ बीसीजी रखेगा, वो आप चूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर मैंने ये वहाँ सोर्स इधर लिया होता तो इवन यहाँ आता और ये दोनों चीज़ें यहाँ आती, तो आपको कन्फ्यूजन होता रीड करने में। अब क्या है, सिक्वेंशियली बिल्कुल आप रीड कर सकते हो। अब मैं बीसीजी का बना लेता हूँ, ये इवन हो गए, ये 8 इवन हो गए, मैंने 8 कनेक्शन दिए थे ना ऊपर, काउंट 8 दिया था, एक साथ 8 कनेक्शन बनाने को दिया था, सीक्वेंशियल एक भी बना सकते हो, सीक्वेंशियल में अगर आप दोगे तो उतने कनेक्शन एक साथ ले लोगे, 63 इवन बन सकते हैं फट से। मैं बताता हूँ कहाँ लिया, देखो मैं अभी इथरनेट मैं बताऊँगा दोबारा, वो बीच में आएगा दोबारा, इथरनेट में आप कर रहा हूँ इसका, तो मुझे वहाँ पे 2 इथरनेट की जरूरत नहीं, 1 की जरूरत है। अब देखो इथरनेट में क्या क्या मिल रहा है आपको, VCG, जितने इथरनेट पोर्ट हैं उतने VCG मिलेंगे आपको, और इसमें क्या हो रखा है कि इथरनेट और VCG क्लब हो रखे हैं आपस में, CP में उसमें नहीं होता, STM में ऐसा नहीं होता। आप इथरनेट वन को आप करोगे तो VCG अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। नहीं, इसमें लिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है इसमें, सॉफ्टवेयर में लिंक किया हुआ है इथरनेट और VCG। हाँ, मुरलीधर BTS 14 MB, 14.4 MB। अरे यार छोटू, अरे हमने किया हुआ है पहले, 14.4 लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन होता है फिर। हाँ, कंफ्यूजन होता है, साला 14 चल रहा है कि 14.5 चल रहा है, 4 चल रहा है। ये मैंने अप कर दिया ना, अब ये वापस नोट स्लॉट व्यू में जाओ आप और देखो आपका इथरनेट अप हो गया होगा, पोर्ट में जाके ये आ गया, VCG अपने आप अप हो गया ना। अब आपको कनेक्शन बनाना है, क्या ये क्या बताया आपने, जितने इथरनेट पोर्ट इतने VCG, उतने VCG, यहाँ पे कितने 2 इथरनेट है, हाँ तो 2 VCG होंगे। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे इसका VCG का भी नाम चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, मुरलीधर BTS 14 MB। मैंने नाम इसलिए चेंज करूँगा कि जब एक कनेक्शन बनाएगा ना तो उस कनेक्शन के सामने तेजस में लिखा आएगा, ये लिखना है, तो आपको पता रहेगा कि ये VCG के कनेक्शन है और वो इवन के कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन। एक चीज़ को एक्सेस करने के कई तरीके हैं इसमें, अलग अलग जगह से भी, हाँ यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इसमें फैसिलिटी में भी VCG का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। अब इसमें मुझे VC में नहीं, एक मिनट, ये नीचे इथरनेट और VCG, तो VCG एक्सेस करके इथरनेट एक्सेस कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मतलब आप नोड स्लॉट व्यू में जा करके भी VCG एक्सेस कर सकते हो, नीचे फैसिलिटी में भी आता है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ये स्क्रीन आपको कई जगह से एक्सेस हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब मुझे वर्चुअल सर्किट इसमें ऐड करने हैं, वर्चुअल सर्किट इन द सेंस मतलब कितने इवन में देना चाहता हूँ, उसमें 14 MB के लिए मुझे 7 इवन देने पड़ेंगे,
यहाँ तक भी ठीक है। अब मैं एस टी एम पोर्ट 1 लूँ या 2 लूँ, जितने एस टी एम के क्रॉस कनेक्शन में बना चुका हूँ ना वो स्लॉट इसमें नहीं दिखाएगा, जो पहला फ्री होगा वो बताएगा। अगर ये 133 के बाद में 141 मेरा अगर यूज़ भी हो चुका होगा ना तब भी ये 133 ही बताएगा, और अगर मैं सिक्वेंस में दूंगा तो 144 को छोड़ देगा, आगे कनेक्शन बना लेगा, आगे के दूसरे सात ले लेगा छः ले लेगा, उसको छोड़ देगा एक कनेक्शन अपने आप छोड़। हाँ, अब देखो मैंने, क्योंकि मेरा बेस मैंने एस टी एम 1 को ही रखा है तो मैं इसी पे कनेक्शन बनाऊंगा एस टी एम 1 पे। एस टी एम नंबर इसमें एक ही है तो एक ही देगा, 133 मेरा बाई डिफॉल्ट हो गया। प्रोटेक्शन इसमें डिसेबल किया, आठ नंबर का टाइम स्लॉट हुआ, नौ नंबर का टाइम, हाँ नौ नंबर मैंने इसमें इनेबल किया प्रोटेक्शन को 152 पर। ठीक है जैसे मैं सबमिट करूँगा, अब प्रोटेक्शन देने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे VCG में भले मैंने पोर्ट 1 भी लगा रखा है केबल, मेरा पोर्ट STM पोर्ट 1 अगर ब्रेक भी हो गया और पोर्ट 2 से मेरा फाइबर लगा हुआ है तो पोर्ट 2 से भी मेरा वो सर्किट चालू रहेगा, और अगर दोनों फाइबर एट ए टाइम चालू हैं दोनों CPE के बीच में दो रूट दिए हुए हैं तो कोई भी रूट ब्रेक होगा तब भी पता भी नहीं चलेगा, सर्किट चालू ही रहेगी। ये तो हम इसलिए करते हैं कि मान लो आपका पोर्ट 1 फॉल्टी हो जाए तो आप निकाल के केबल दूसरे तो क्रॉस कनेक्शन बनाने की जरूरत ना पड़े इसके लिए, सातों सात बन गए। अब आप क्रॉस कनेक्शन देखो इसके वापस, ये आपने क्या बनाया, VCG बनाया ना, देखो उसने VCG के केस में मुझे यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया था कि मुझे VCG सोर्स में लेना है, वो बाई डिफॉल्ट सोर्स में VCG लेता है ना, तो अगर मैं ये इवन यहाँ ले लेता तो ये कनेक्शन मुझे यहाँ दिखते और ये यहाँ दिखते तो मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इवन यहाँ पे लिया, ये इसलिए नॉमिनिकली हम लोग इवन सोर्स में यूज करते हैं और कोई रीजन नहीं। 133 हो गया, 141 चालू। अब देखो इसकी पढ़ो सीक्वेंस क्या है, 111 112 113 121, मतलब ये जो KLM की सीक्वेंस मैंने ये वाली थी ना, ये सीक्वेंस इसके अंदर आगे का समझ, ये आगे का उसका मतलब कुछ और 111 क्या हो गया, इवन हो गया। जब STM 16 होगा ना तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें पहले STM आता है फिर उसके बाद टाइम स्लॉट आएगा, ऐसा आएगा। तो इसको देख के आपको पता लग जाता है कि मैं किस टाइम स्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको पढ़ना आ गया एक बार तो दिक्कत नहीं आती है, अब ये देख के भी पता लगा लेते हो कौन सा इवन कहाँ जा रहा है। ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसमें चार चीज़ें, जब कोई भी सिस्टम आप कॉन्फ़िगर करो तो चार चीज़ हमेशा कॉन्फ़िगर करो, पहला आपका इवन, दूसरा ईथरनेट, तीसरा क्लॉक और चौथा DCN। DCN बाद में बताऊँगा, पहले क्लॉक बता देता हूँ। देखो ये फॉरेन में लगेगी तो इसमें क्लॉक सोर्स क्या देना पड़ेगा, आप 40 लो कोई दिक्कत नहीं, 63 ले लो कुछ नहीं निकलेगा, हाँ ATM की कैपेसिटी हो जाएगी उसी इथरनेट, 63 ले लो कुछ नहीं निकलेगा फिर कोई पोर्ट में, हाँ फिर कुछ नहीं निकलेगा, आप केवल सर्किट ही दे सकते हो उससे, इवन नहीं दे सकते। अब जैसे आपको लेना है फैसिलिटी, पहले अपने ने इवन लिया कॉन्फिगर में, पहले इवन किया उसके बाद इथरनेट, इथरनेट में VCG डिफाइन किया। अच्छा VCG कौन सा लिया आपने, 1:1 बाय डिफॉल्ट क्लब भी, बाई डिफॉल्ट इसका क्लब ही है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, आपने ईथरनेट बना किया तो VCG 1.0 बनेगा, अगर आपने ईथरनेट FX अप किया तो VCG FX 1.0 बना आपका अप होगा, ऐसा इसमें क्लब है, वहाँ अलग है, ये सारे कनेक्शन क्रॉस कनेक्ट में ही आते हैं। अब देखो आप सिंक्रोनाइजेशन में चले जाओ, सबसे पहले टाइमिंग रेफरेंस, व्यू नॉमिनेटेड टाइमिंग रेफरेंस, बैठा अगर आपको नॉमिनेट करना है, सबसे पहले देखो आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा, तो STM जैसे आप पहले डिसाइड कर लो कि ये फॉरेन की अगर है, पड़ोसी क्या सारा है, है पड़ोसी सारा देख नदी रेकॉर्डिंग था ने तो ना आओ क्या है मेरा ओए रेकॉर्डिंग થાય છે આવું બધું ના હોય આ પરસે જો સારો નથી આવું બધું કર નાખે ઉલટા। तो पहले आपको क्लॉक रेफरेंस देना पड़ेगा, इसमें कोई सा भी जो डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आप अभी नॉमिनेटेड देखोगे ना इसके अंदर तो देखो कोई क्लॉक डिफाइन नहीं होगी। अरे यार टाइम लेगा ये विरल है ना, पढ़ो नहीं जा रहा है कहीं नहीं यार लाइट तो भाई तू क्या अपना जरा सारा खेल तो कह रही थी देखो अभी
इसमें कोई भी क्लॉक डिफाइन नहीं है ना, तो आप क्लॉक डिफाइन करोगे नॉमिनेटेड क्लॉक रेफरेंस। अब क्योंकि ये फॉरेन में लगेगी तो हमें बिट्स तो आप दोगे नहीं, दो तरह क्लॉक दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल क्लॉक और ऑप्टिकल क्लॉक। ऑप्टिकल क्लॉक एसटीएम के थ्रू आती है और वो हम लोग यहाँ पे नाइनटी कनेक्टर के थ्रू देते हैं। तो मैंने दिया पोर्ट्स, बिट्स दोगे तो आप इलेक्ट्रिकल क्लॉक दे रहे हो 151, क्योंकि आप 151 पर फाइबर लगाने वाले हो। इसकी प्रायोरिटी दोगे आप पहली प्रायोरिटी, ठीक है। सबमिट किया, ये क्लॉक मैं दे रहा हूँ, अभी इसकी निकालनी भी पड़ेगी। अब देखो बी नोमिनेटेड टाइमिंग रेफरेंस में जाओगे ना तो आपको एक क्लॉक दिखाएगा। ऐसे आप टू भी दे सकते हो लेकिन देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब फाइबर तो अपने एक्सचेंज एंड पे देते हैं ना। हाँ, ये तो मैं बीटीएस एंड पे दे रहा हूँ, पोर्ट में नहीं, उसमें बिट्स देते हैं। बीटीएस एंड पे तो बिट्स में आएगी ना, बीटीएस एंड पे तो पोर्ट पे आएगी, पोर्ट पे। अच्छा, यहाँ से क्लॉक पोर्ट पे जाएगी। हाँ, उसमें बिट्स में देते हैं, एक्सचेंज में बिट्स में देते हैं। जहाँ पे भी फिजिकल देना है ना वहाँ बिट्स में। अच्छा, ओके, मतलब सामने कार्ड वाले मोड वाया फाइबर देना है तो पोर्ट में जाएगा। ओके, मैं पोर्ट नहीं है कि एक्शन में भी बिट्स ही चलेगा, एक्सचेंज भी। हाँ, बीजी सिस्टम में डायरेक्ट है। हाँ, बराबर। अच्छा, एक और फिजिकल आप पानी होए तो आपके नारायणपुरम में दी, आपके नारायणपुरम एक सिस्टम में ऐसे ही दी हुई है मुझे याद है, बिट में दी। राधा कृष्णा ऐसा कुछ कोई साइट है, मतलब उसमें बिट में राधा कृष्णा, मतलब माइक्रोवेव में भी है ना अपने बिट के। हां, रामकृष्ण, रामकृष्ण उसमें दी हुई है यार, माइक्रोवेव में भी है ना बिट पर। आप इसमें देखो एक चीज़ है, मैं पोर्ट टू की क्लॉक इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, जो फाइबर ब्रेक होता है ना, तो ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है ना, पोर्ट टू की क्लॉक में चला जाता है, और जब आप फाइबर थ्रू होता है ना तभी पोर्ट वन पे नहीं आता है, नहीं आता है। इसके लिए मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ये करनी भी नहीं चाहिए। क्या नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर भी ला सकते हो, प्रायोरिटी है ना उसमें, अनेबल है, ऑटो रियोरिटी अनेबल करोगे तो ही आएगा सिंक्रोनस स्टेटस, है ना, रिवर्जन मोड। वो मैनुअल है ना, इसे नहीं लेगा वो, अगर ऑटो कर दोगे तो ले लेगा ना, उसको अनेबल रखना है, नीचे दोनों ऑटो रखना है। हाँ, अब ये देखो इसमें भी देख लो, ये सारे मोड इनेबल रखने के, ये ऑटो प्रयत्न कर रहे करावता नहीं दियो ने। अभी यह सेक आ रहा है ना क्वालिटी लेवल, जब तुम क्लॉक थ्रू करोगे ना तो यहाँ पे लॉक आ जाएगा और ये सेक की जगह सीआरसी वगैरह जो भी होगा, ठीक है ना, ये क्लॉक डिफाइन हो गई, दो चीज डिफाइन करनी है। अब डीसीएन पे आ जाओ, ये डीसीएन आ गया, रुक जाओ, क्लॉक पे क्या हुआ, पति की भाई बात करो पहले, ना ना पति यू नहीं बात करो, सिंक्रोनाइजेशन में नॉमिनेटेड आ गया। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल रहता है। हाँ ठीक है, वो तो इनेबल कर दिया, तो मैंने ये इनेबल किया, इन दोनों में ऑटो किया और यहाँ पे पीआरसी पीआरसी किया। आउटपुट क्यूएल मोड, मतलब आउटपुट क्वालिटी मोड। अच्छा, क्वालिटी मोड ऑटो नहीं ले से, सामने ही तुम्हें जी आपी से पीएससी, तो सामने पीएससी ले ले से ऑटो, अपने आप पीआरसी ले। अच्छा, यानी ऑटो रखवानी हम, मैंने रिवर्सन मोड को ऑटो रखवाना, एटले काम में दिया हो तो ऑटो रखवाना, तुम्हें बे पूर्ती क्लॉक आपी होए तो अपने आप स्विच ऑन हो जाए, एक होए बीजा नी बे होए, हां पहला नी डिसेबल दे तो बीजा ऊपर गई, पाजी पहला थ्रू जाई जाए तो पाजी पहला पर आई जाए, तो ऑटो में। अच्छा, ओके, ऑटो में से तो पहला प्रजनी प्रायोरिटी है सेना पर आई जाए। ओके, अगर बे ऊपर स्टिक देने पड़ी है। ओके, ठीक है, ये हो गया। અને જેવું થશે ને એટલે ત્યાં વ્યૂ એમિનેટેડ ટાઈમિંગ રેફરન્સમાં ઉગડી આવી જશે, હા ઉગડી આવી જાય, ઓકે, અને ત્યાં લખાઈને આવશે નોર્મલ, હા, અને પછી એ નોર્મલ લખાઈને આવશે પછી તમારે ક્લોક ડિલીટ નહીં થાય। અચ્છા, એને પછી પાછી તમારે એમાં લોક મોડ કરીને આવે, લોક મોડ ઓફ કરવાનું, ઓકે, ઓફ કરશો પછી તમારે એ ક્લોક ડિલીટ થશે, લોક મોડ ઓફ કરવાનું, એટલે લોક ફૂલ ના કરો, લોક ઓન હોય તો નહીં થાય। અબ દેખો, ક્લોક લઈ લેશે ને, યે સિસ્ટમ જબ તક આપ ડીસેન્ટ ડિફાઈન નહીં કરોગે ફારેન્સ એક્સેસ નહીં હોગા, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सीपी में सब जगह दोनों पे डीसीएन रखने ही रखने का। तो प्रोविजन कैसे करना है, मैंने प्रोविजन पहले किया, किसमें गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा, डीसीएन में जाके नेटवर्क इंटरफेस में जाके प्रोविजन ईसीसी, ईसीसी कम्युनिकेशन समथिंग जे, हां ठीक है। एसटीएम 151, पहले तो 151 पे डीसीएन, तो डीसीएम एम लेते हैं ना, इसके अंदर एम भी रो चलेगा, आर भी रोगा, ये करने के बाद में यहाँ पे ओएसपीएफ डिसेबल आता है।
સપોઝ આપણે કે કોઈ પણ ફ્રેમ મોકલીએ તો કે ભાઈ એની જો એક્નોલેજમેન્ટ જે ફ્રેમમાં એક એક્નોલેજમેન્ટ બાઇટ જાય તો કે 8 બીટ નું જાય ઓકે તેવો પર્ટીક્યુલર દરેક બાઇટ નું એક ફ્રેમિંગ હોય એ પર્ટીક્યુલર ફ્રેમ મોકલશે અહીંયાથી એમ એમ ટાઈપ નું ફ્રેમ આવશે આર ટાઈપ નું ફ્રેમ ઓકે આર ફોર રિમોટ છે એમ ફોર સમથિંગ કે મીડિયા સમથિંગ છે દેખો મીડિયમ એડીસીએન આ ગયા પહેલા તો મારા ઈસીસી 151 મતલબ 51 કા ઈસીએન ઓએસપીએફ એનેબલ કરના પડેગા આપ કર દિયા મેને અબ પોર્ટ 2 કા બનાના હે તો પોર્ટ 2 દેખો યહાં પે લિયા ये DCN એટલે આ ડિસેબલ હોય તો શું થાય એક્સેસ ના થાય નહીં જ ના હોય વો રાઉટર કી તરહ બિહેવ નહીં કરેગા ફિર વો ઓટોમેટિકલી ડિટેક્ટ નહીં કરેગા બાકી કે સિસ્ટમ્સ કો અગર આપને ઓએસપીએફ એનેબલ કર દિયા તો ઉસકે નેટવર્ક મે જિતના ભી નેટવર્ક હે ઓએસપીએફ કા હે ये रहा यहां अच्छा ये रहा ये 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 यहां अच्छा उसमें भी एनेबल उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा वो उसमें कहीं पे नहीं जाना है डीसीएन में सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है आपको नेटवर्क इंटरफेस अच्छा यूज है कोई स्पेक प्रोविजन ईसीसी वगैरह मत जाना वो इवन पे प्रोविजन कुछ बनता है मैनेजमेंट चलाए ये चीज हुई फाइबर पे जो सिस्टम फाइबर से कम्युनिकेट कर रही है तो ये ईसीसी काम में आएगा अगर इवन पे आपको आपके पास फाइबर नहीं है आपको इवन से दे रहा है एक HT16 है और एक ये CPE है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तब इवन से भी करवा सकते हो दोनों के बीच में कोई भी एक इवन और इसका एक इवन को जंपर कर दो और दोनों में उसमें प्रोविजन मैनेजमेंट चैनल वन है ना वन और टू कोई भी एक प्रोवाइड कर दो दोनों आईपी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में अच्छा ओके कम्युनिकेशन के लिए अगर फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है तो नहीं है तो इवन बेस में भी कम्युनिकेट हो सकता है जैसे मान के चलो ये खोली सके टूब ओके 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 इन शॉर्ट आप ये चाहते हो कि जैसे नारायणपुरा में आपकी सिस्टम्स लगी हुई हैं आप चाहते हो कि सारी सिस्टम्स भी HT16 से एक्सेस हो जाएं बट आपके आठवां मतलब उसमें सपोज ऑप्टिकल पोर्ट आपने यूज़ कर लिए या आप उतने ऑप्टिकल पोर्ट तो STM यूज़ कर नहीं सकते HT16 से कनेक्ट करने के लिए तो क्या करो सारी CPE का एक एक इवन किसी एक DDF में वायरिंग करवा दो और उसको वो भी बना दो मैनेजमेंट चैनल तो वो सारी CPE और उसकी फॉरेन CPE उस HT16 से एक्सेस हो जाएगी ओके एक मीडिया मैंने वो कर दिया अच्छा HT16 पर इतने सारे नहीं आते मैनेजमेंट चैनल कम ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा नहीं देते HT16 में भी तो ये आते हैं शायद मैंने तो कोई आते एक तो हम ध्यान जमा कर रहे एक चतुर है ये आपका CPE का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया इसमें DCN हो गया क्लॉक हो गई इवन हो गए और VCG हो गया चलो अब एग्जाम चालू कर पहला एग्जाम खराब है ना ઓય યાર હારત કઈ જવાને હવે જુઓ તમે પાણી પીવે ભાઈ તને હારત કઈ દીધો સીસી અને ઓકે કર્યું કે કાપે જાના હે હા એ બરો એ મેન્ટેનન્સ ઓવરફ્લો હો જાયેગા બતા નહીં નહીં સર કરને તો ફિર પડોસી કામ મે નહીં આયેગે ને તો ફિર કામ આયેગા હા દીયો છે એસે તો ફિર બાદ મે વીરા લઈ દેખો મેન્ટેનન્સ હે હે ના ઇસમાં કો સબસે પહેલે દેખ ભાઈ પાવર ચેક કરના હે માન કે ચલો તો પાવર ચેક કરને એક તરીકા તો એક ભી STM પોર્ટ આપ ઓપન કરો ડાયરેક્ટલી નોટ સ્લોટ વ્યૂ ઠીક હે નોટ સ્લોટ વ્યૂ મે સબકો પતા નહીં ચલેગા ये मैंने इनको शुरू से वही बताया फैसिलिटी में जाके सिखाओ वो स्टैंडर्ड और सबसे सेफ तरीका है इसमें उनको कार्ड ढूंढना पड़ेगा चलो ठीक है और ये CMTS वाले फील्ड वाले सर ये फैसिलिटी में गए हम लोग सारे पोर्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं ठीक है ना ठीक है ये आपका STM पोर्ट आ गया हाँ STM पोर्ट सारे हर जगह पर यही ना ऑप्शन होता है ये दिया आपने ये सब में STM 60 में भी यही होगा ये है ना पहला पोर्ट लिया इस पर क्लिक करो ये पावर दिखाएगा ट्रांसमिशन 3 है और 99 यानी ब्रेक इसलिए 99 ठीक है STM पोर्ट 2 देखना है ये 2 देखो ओके मैं अभी इनको क्वेश्चन बताऊंगा देखो हमें ट्रेन ही अब ईथरनेट की बात करते हैं देखो उसमें अगर आप STM में जाओगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन है पहले तो एडमिन अप होना चाहिए या होना चाहिए बराबर है एडमिन अप मतलब वो पोर्ट अप है तो ही ट्रांस निकलेगा उसका अगर आपने एडमिन डाउन कर दिया है तो ट्रांस बंद हो जाएगा આ આપણે ક્રિએશન કરી એટલે અપ થઈ જ જાય એમ ના હોય યહાં પે STM મેં જાકે ઉસકો એડમિન અપ કરના પડતા હે યે કિયા ના અપને સ્ટાર્ટિંગ મેં વો પોર્ટ STM પોર્ટ અપ કિયા થા તબ યહી સ્ક્રીન તો થી અપને સામને મેને બોલા ના ઇસમેં બહોત સારી ઇસમેં અલગ અલગ તરીકે સે ખુલતી હે સેકન્ડ ઓપ્શન હે અલાર્મ રિપોર્ટિંગ સ્ટેટસ યે નોન રિપોર્ટ નહીં હોના ચાહિયે રિપોર્ટ કર દિયા તો ઇસકા અલાર્મ નહીં આયેગા તો યે STM મેં ફાઈબર બ્રેક ભી હો જાયેગા તો ભી અલાર્મ છોડી કરે ઓકે કરેગા ઉસકો ઓલવેઝ રિપોર્ટ મેં રખના રિપોર્ટ મેં રખના મતલબ યે એક હી ચીજ ખાલી અપ કરની હે બાકી એસે હી રખના અપ કરના હે બાકી રિપોર્ટ રખના હે ઓર લાસ્ટ મેં આઈડેન્ટિફાયર દેના કમ્પલસરી હે ये तो फिर STM पोर्ट बता दे हां अंदर में तीन नाम की बात हो रही है सही है ओके आइडेंटिफाई मतलब ये फाइबर कहां पे जा रहा है कौन से लोकेशन में है बाद वाला क्या था EUG वाला STM वो सब नहीं देखा उस मत देखो है क्या वो तो बताओ मैं नहीं देखेंगे मुझे भी पता है तक वो है 3 उसे करके पूरा KLM पूरा सिस्टम डिफाइन होता है पूरा एक STM 4 बनता है STM 1 बनता है हां
फिर ऊपर जाओगे जैसे एरोडा में जाओ तब आता है यू फोर, पूरा एस टी एम यू फोर, टी यू ट्वेल्व मतलब ई वन पे हुआ, ए यू फोर मतलब एस टी एम फोर आ गया, एस टी एम वन आ गया, टी यू ट्वेल्व एटले एस टी एम वन, ए यू एट वी सी ट्वेल्व, वी सी ट्वेल्व एटले ई वन आई ए यू फोर एटले तमारी आखी एस टी एम, हाँ ओके ए टू कनेक्शन अप नहीं है, बीसीजी में जाओगे कनेक्शन अप नहीं होगा, डाउन 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 बता ओके। देखो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, देखो क्रॉस कनेक्शंस, यहाँ पे आपको जब दोनों साइड में कनेक्शंस प्रॉपर बन जाएंगे ना, तो ये डाउन की जगह अप हो जाएगा, थ्रू थे साइड लैप थी अप हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ गया आपका अलार्म, आपका लॉस ऑफ सिग्नल एस टी एम 152 151 जो आ रहा है, ये दोनों का लॉस ऑफ सिग्नल दोनों पोर्ट फेल है, ठीक है ना। लाइन एम एस डी सी सी लिंक, ये आपका डी सी एन फेलियर के अलार्म्स हैं दोनों, डी सी सी लिंक फेलियर जो आ रहा है ना, ये आपका आपका अगर एस टी एम पोर्ट अभी भी है और अगर ये फेलियर आ रहा है तो आपकी सी पी एक्सेस नहीं होगी फॉरन से। ये लाइन एम एस डी सी सी लिंक फेलियर मतलब आपका डी सी सी कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, डी सी एन यूजलेस, ये तुम्हारा ओपन नहीं था, टाइमिंग रेफरेंस फेल, यानी कि आपकी क्लॉक नहीं है। लॉस ऑफ सिग्नल, ये इवन आपके सारे ब्रेक हैं, ब्रेक है, ठीक है ना। और टाइमिंग जनरेशन एंट्री फॉर फ्री रन, ये तो अलार्म का उसका है ना, क्लॉक का, क्लॉक का ही है। सपोज सीपी थ्रू है, सब चल रहा है, ठीक है, फिर वो अलार्म आता है, ये डीसीसी लिंक फेल है, पावर का इशू है तो भी हो सकता है, अगर सब ओके है, पावर ओके मिल रहा है, वहाँ पे भी बंदा बैठा है, उसको भी पता है कि डीसी, मैं बता रहा हूँ एक बार डिलीट करके अभी पीएचडी मत करो ना, वरना ये ना और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जेटी आएगा तब आएगा, वैसे तो अगले महीने वीक से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इनको ट्रेंड कर दो, वरना उस टाइम पे एकदम हायतोबा मचेगी। अभी से कोई सिस्टम में कोई सिंक का अलार्म आ रहा है तो करने दो, साला एक दिन की जगह अलार्म दूसरे दिन निकलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन चीज यार जी कल निकलेगा, यही होने वाला है, फॉल्ट है, वरना जब तक कोई और निकालता रहेगा ना तब तक कभी नहीं सीखेंगे सर, सिंपल सा बात है, कभी नहीं सीखेंगे, नहीं गधे, मुझे ये आता आता है, अभी ज्यादा रेकॉर्डिंग ये जो सीखा था, चलो देखो एक मेन चीज लूप बैक बता देता हूँ, इवन फॉल्ट भी आपको बताना चाहिए कब आया, लेफ्ट साइड पे लिखा
फिर अगर कोई ऐसा अलार्म है कि सब ओके होने के बावजूद भी आपका अलार्म पड़ा रहता है वो निकलता ही नहीं, तो अलार्म फिल्टर में जाकर उसको फिल्टर कर दो, फिल्टर तो अलार्म चला जाए। जैसे सामने के सी पी एडीएम में आप देखो आपका ये लैपटॉप तो लगा नहीं रहेगा पूरे दिन, तो वहाँ पर लैंड फोन डाउन का अलार्म आएगा, फिल्टर कर दो। मैंने ऑल ओवर अहमदाबाद सब जगह तो मैंने बंद कर दिया, तो एक बार फिल्टर करो तो फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक मैं फिल्टर नहीं निकालना। अच्छा एक चीज़ ये, जैसे आपको ये देखना है कि आप किसी एंड पे बैठे हुए हो, आपको पता करना है कि फॉरेन पे मेरी सिस्टम जो उसका आईपी क्या है आपको पता नहीं है, कई बार राउटर आईडी हम लोग चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस में जाने का, डायग्नोस्टिक में जाने का और उसमें नेबर्स आएंगे, यहाँ आपको सारे नेबर्स दिखाएंगे, यहाँ आपको नेबर में दिखा देगा कौन कौन से पोर्ट में, डायग्नोस्टिक्स में ओएसपी या पोर्ट वाइज दिखाएगा कौन से पोर्ट में कनेक्टेड और क्या आईपी के साथ, बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा लूप बैक की बात करते हैं, है ना, देखो सर लूप बैक तीन तरह के हैं, पीडीएच में इवन लूप होगा, एसटीएम में एसटीएम लूप होगा, इथरनेट में लूप कैसे होगा मुझे आज तक पता नहीं चला, तो वो तो इथरनेट टेस्ट मेरे लैपटॉप में है, इसमें इथरनेट टेस्टर वो नहीं है अपने पास जो एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है प्रोटोकॉल एनालाइजर, वो वही तो है, तो कर सकते हो वो मैं बताता हूँ, ऐसे चलो कोई नहीं, पहले पीडीएच का देख लेते हैं, लॉन्ग रूट का होता है सर्किट यहाँ से बॉम्बे का, तो हम देते हैं क्योंकि सारे डब्ल्यू के पास, आपकी फ्रेम यहाँ से रिटर्न होकर वापस आती है ना, हम लोग यहाँ से उनकी फ्रेम का मीटर फ्रेम यहाँ पे देता है, हाँ यहाँ से फ्रेम नहीं, इसमें टर्मिनल और लोकल दोनों होता है, दोनों दोनों लूप होता है ना, तो वो सेम पीडीएच और एसटीएम की तरह ही वर्क करता है, तो ये मैं करके देखूंगा, होता है देखो एसटीएम में अगर आप लूप करना है एसटीएम 151 करना है, अच्छा ये एक बार किया फिर गया फैसिलिटी और टर्मिनल, हाँ ये गलती मत करना एस टी एम को, कभी पता है क्योंकि होगा क्या, आपने लॉगिन किया फॉरेन से उसको वहाँ से लूप किया, अब आपने लूप कर दिया दोबारा एक्सेस कैसे करेंगे, एस टी एम में कभी नहीं करने का, जरूरत पड़ेगी तब करने की, पर ऐसे नहीं करें लोकल में करना, लोकल में कर सकते आप यहाँ बैठे और आपको सामने वाले को लूप देना है, फाइबर ब्रेक करने का मन नहीं है तो ले भाई लूप दे दिया, पूरी एस टी एम लूप कर दी, पूरी एस टी एम लूप कर दी, उसको इसमें कौन सा, अब रुको टर्मिनल है कि क्या है, इसमें मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, मैं कभी भी याद नहीं रख पाता, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब विरल से लास्ट टाइम किया तो मैंने याद रखा, पहले कौन सा आता है, फिजिकल चीज़ याद रखने की, नहीं नहीं फिजिकली F40 पहले कौन सा आता है, F सबसे नज़दीक में क्या है आपके, F फैसिलिटी लूप दोगे तो लोकल लूप मिलेगा, टर्मिनल मतलब दूर, T सबसे बाद में आता है तो दूर मिलते हैं, मेरे क्या है OMCR टर्मिनल है, तो टर्मिनल मतलब हमारा नहीं तो स्टैंडर्ड ओएमसीआर ही है ना, मैंने तो ऐसे याद रखा है, अभी तू मीडिया जेंट पे बैठा है यहाँ के सिस्टम में तुझे देने तो टर्मिनल नहीं मिलेगा फिर उसको, फिर यहाँ पे लोगों को धोखा देना पड़ेगा, ये तो तारा दीवंदन है, नहीं ये तो बात है, जैसे भी सीपी में आप लॉग इन हो, इन शॉर्ट फैसिलिटी लूप मतलब एफ सबसे पहले नजदीक लूप देना है तो वो है, अपने एंड पे जाइए तो फैसिलिटी सामने वाले को देना है तो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब दूर, फैसिलिटी मतलब पास, सिंपल ये है, इतना बहुत है यार बस, ट्रांसफर आई है क्या, तो खाली है।